हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट हैं ए टू जेड क्लासेस की ओर से आयोजित टेस्ट सीरीज को लेकर, और आज टेस्ट सीरीज का हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर हुआ है। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आज पेपर का जो क्वेश्चंस है, आज एक टेस्ट हुई है, पहला टेस्ट हुआ है, और इसके बाद 9 टेस्ट और होने वाले हैं। तो आज ज्योग्राफी का हम पहला टेस्ट के पहला जो क्वेश्चंस, मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियोस में कि मैं प्रत्येक टेस्ट का हमारा जो होगा पहला सेट जो होगा उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करूँगा। तो उसी के मुताबिक मैं आज फिर से अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर मैं प्रेजेंट हुआ हूँ। अगर आप भी हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पते पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है हमारे ये ज्योग्राफी का पूरी नंबर्स आपको 70 नंबर की एग्ज़ाम होती है, और हमारे यहाँ पर आपको पास करने के लिए कम से कम आपको 35 मार्क्स लानी होगी। यानी सीधा सीधी बात हम कह रहे हैं कि आपको जितना आप उसका फुल मार्क्स होगा उसका आपको जब तक आधा आप मार्क्स नहीं लाते हैं आप पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे टेस्ट सीरीज में आपको पास करने के लिए कम से कम आपको आधा मार्क्स लाना जरूरी है। और आपको पता है ये आपका एग्ज़ाम 3 घंटे की होगी, और आज ही ये पेपर हुआ है, और आज आपको मैं कुछ क्वेश्चंस इसके बताने वाला हूँ। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जान लेते हैं। जो बच्चे जैक बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड में भी अगर एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ज्योग्राफी सेक्शन से बनती है उसी क्वेश्चन को लेकर मैं आज प्रेजेंट हुआ हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता हमारा खंड को, जिसमें से हम सभी को मिलते हैं यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी 10 नंबर टोटल यहाँ पर मार्क्स रहते हैं और 10 क्वेश्चन रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक एक मार्क्स के मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, यानी 4 ऑप्शन रहते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के। यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन आप करेंगे और 4 ऑप्शन में से किसी एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, और जो सही होता है उसको हम लोग को आंसर लिखना पड़ता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। तो पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी आपको वही काम करना है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। जिनका आंसर सही होगा उनके हमारे कमेंट, वहां से जो कमेंट आप करेंगे उस कमेंट को यहां से लाइक कर दिया जाएगा। तो आप समझ में आ जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन जो आपने आंसर दिया है वो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएंगे ए, बी, सी और डी, और आपको बगल में यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा, यानी सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन वाला है, पीट है, एंथ्रेसाइट है ना, लिग्नाइट है या फिर बिटुमिनस है। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आएंगे। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम, यानी कौन सा देश है, ठीक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। उसके बाद किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे भंडार पाया जाता है, यानी बोला कि मतलब किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। यहाँ पर अधिक वर्ड छूट गया है, ठीक है, या फिर सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सही है क्वेश्चन ये, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की माप की इकाई क्या है, यानी ध्वनि की जो है माप की इकाई क्या है। उसके बाद हमारे अगला क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा, यानी जो संसार का है सबसे व्यस्त यानी बीजी जो समुद्री मार्ग है वो कौन सा है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, एशिया या फिर अफ्रीका है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, जो एक होगी सही। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, इसमें पेट्रोकेमिकल में कौन सा देश अग्रणी है, उसकी आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कोई एक बड़ा नगर है उसकी नाम लिखना है। उसके बाद हमारा खंड क की ओर आते हैं। तो खंड ख में आपको नजर आएगा यहाँ पर आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर प्रत्येक जो आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा और 10 क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के मिलेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे। मानव भूगोल को रेटजेल के अनुसार परिभाषित करें, पहला जो क्वेश्चन है मानव भूगोल को रेटजेल के अनुसार परिभाषित करना है। दूसरा है पनामा नहर पर एक टिप्पणी लिखें। तीसरा क्वेश्चन है पर्यटन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा लिंगानुपात का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण तथा नगरी जनसंख्या में अंतर बतावे। अगला क्वेश्चन है खनन क्या है। अगला क्वेश्चन लो एस के प्रकारों को बताइए। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ क्रियाकलाप को बताइए। अगला क्वेश्चन है साक्षरता से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल के मुख्य क्रियाकलापों का वर्णन करें। इसके बाद हमारा खंड ग, इसमें सबको 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपको 4-4 मार्क्स के मिलने वाले हैं, ठीक है।
और यहाँ पे आपको पांच का आपको जवाब देना है, जिसमें से आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन है, कृषि से क्या अभिप्राय है, कृषि विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का उल्लेखित करें। अगला क्वेश्चन है, निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण पर एक टिप्पणी लिखे। ठीक है, यहाँ पर आगे क्वेश्चन जो था वो कुछ अलग क्वेश्चन सेट हो गए थे, जिस कारण से उस क्वेश्चन को बदल दिया गया है, और यहाँ पर आपको लिखना है कि निर्माण उद्योग के स्थायीकरण है ना पर एक टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के स्रोत का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विवेचना करें। अगला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर्स के मिलेंगे, यानी तीन क्वेश्चन का जवाब देना आपको 15 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। तो 26 नंबर में जो क्वेश्चन है, भारत में उद्योग की समस्या का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है 27 में, भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण पर वितरण का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर और 26 नंबर के क्वेश्चन रिपीट हो गई थी, जिस कारण से यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। भारत के किन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है और क्यों, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 28 क्वेश्चन हमारा पहला सेट में सेट किया गया है हमारे पहला टेस्ट सीरीज में। अगर आप भी इच्छुक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, तो प्लीज हमारे A to Z क्लासेस में आप जो विजिट कर सकते हैं, हमारी ऑफलाइन कोचिंग पर आप विजिट करें। यहाँ पर आप अपना टेस्ट देकर अपनी गलती कमियों को दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट की 10-10 टेस्ट लगवाई जा रही है, यानी आप 10 टेस्ट देकर अपनी गलती कमजोरियों को पहचान करके आप उसे दूर करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्लीज हमारे इंस्टीट्यूट में जो आयोजित जो किया गया जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसे ज्वाइन करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं, इसका लाभ उठाएं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में जो आपको बेल आइकन नजर आ रहा है उसे दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते रहें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपको मिल जाए। तो थैंक यू, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ होगा। थैंक यू।